हेलो एवरीवन मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में इग्नू एम हिस्ट्री एम एच आई जीरो वन लेसन सिक्स आरबिक सभ्यताओं का सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ये जो पूरा एम एच आई जीरो वन का यूनिट सेकेंड आज से शुरू हो रहा है और यूनिट सेकेंड के अंदर में पूरा कास्य युगिन सभ्यता जो ताम्र पाषाण सभ्यता के तौर पर जाना जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर में हम जो आगे विकास किस प्रकार से मानवों ने विकास किया किस प्रकार से उन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से उन्होंने सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश को बढ़ावा दिया ठीक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो इस वाले चैप्टर के अंदर में दोस्तों हम मेनली चार इंपॉर्टेंट सभ्यताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे विश्व के अंदर में विद्यमान थी ठीक है तो ये चार मुख्य सभ्यताएं कौन कौन सी हैं और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं तो बिल्कुल दोस्तों इसमें से चार से पाँच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं जो आपके इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं करवाऊंगा ठीक है जो आपके बुक में भी दिया गया है और ये जो चार सभ्यताएं थी दोस्तों मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता और मध्य चीन के अंदर में सांग सभ्यता इन चारों सभ्यताओं के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर में पढ़ने वाले हैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो पर्पज़ से आपके एग्जाम पर्पज़ से भी आपके सिलेबस के पर्पज़ से भी और दूसरा जनरल नॉलेज के पर्पज़ से क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एज के अंदर में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों और थोड़ा सा बेसिक डिटेल अपने एम एच आई जीरो वन जो हमारी बुक है एमए हिस्ट्री की उसके बारे में भी लेते हैं दोस्तों अभी जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो एम एच आई जीरो वन का एमए हिस्ट्री का आपका यूनिट सेकंड है जो हम ताम्रपाषाण सभ्यता के तौर पे जानते हैं और इसके अंदर में हम ताम्र पाषाण सभ्यता के अंदर में घटी घटनाओं की चर्चा करने वाले हैं पूरे विश्व के अंदर में जो जो घटना घटी हुई इसके बारे में और एम एच आई जीरो वन का यूनिट सेकंड से पहले जो हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ा उसके अंदर में हमने आरंभिक मानवों के बारे में पढ़ा आरंभिक मानव कौन से कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई ठीक है जैसे कि आपने सुना होगा कभी ना कभी कि जो हमारा पूर्वज थे वो बंदर थे ठीक है हम बंदरों जैसे थे पहले धीरे 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 समय के साथ विकास हुआ परिवर्तन हुए और उसके साथ आज हम इंसान के रूप में हैं ठीक है तो मानव का विकास किस प्रकार से हुआ ठीक है पूरा विकास चक्र कैसा था उन्होंने किस प्रकार से पशुपालन किया किस प्रकार से खाना की उसकी जिंदगी व्यतीत करी ठीक है किस प्रकार से उन्होंने खेती करी तो वो सारा चीज आपको मैंने पढ़ाया यूनिट फर्स्ट के अंदर में और उसके बाद आज हम यूनिट सेकेंड ताम्र पाषाण सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम चार मेनली इन सभ्यताओं को पढ़ेंगे ठीक है और इसके अंदर में अब हम ये जानेंगे कि आगे मानव ने किस प्रकार से विकास किया किस प्रकार से उन्होंने अपनी जनसंख्या का विस्तार किया किस प्रकार से उन्होंने अपनी सभ्यताओं को आगे बढ़ाया ठीक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और रिक्वेस्ट ये भी रहेगा आप सभी बच्चों से कि अपनी बुक लेकर बैठे एम ए हिस्ट्री की जो बुक है आपके पास लेकर बैठे सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी है लेकर बैठे और जो भी मैं बताऊँ आपको आप वहाँ पर फटाफट मार्क करें जिससे आपको चीज़ें याद रहें क्योंकि आप एम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि लेक्चर बेस पर वीडियो होने वाली है और साथ साथ दोस्तों अगर कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन होता है कहीं पर कोई

ठीक है और नील नदी रियली इस तरह की नदी है जो कभी भी अपने आसपास रहने वाले लोगों का बुरा नहीं सोचती बुरा नहीं सोचती मतलब क्या उतना उपजाऊ जो मिट्टी देती है नील नदी कि उसके सामने उस वहाँ पर खेती करने वाले लोग कभी भी तो, मतलब उदास नहीं हो सकते इतना उपजाऊ मिट्टी आती है मतलब इतना फला फुला, फुला पूरा शहर रहता है नील नदी का कुछ कहने की बात नहीं ठीक है मिस्र नील नदी के कारण ही जाना जाता है और नील नदी से सारा कुछ पूरा जो डिपेंडेंसी है मिस्र का वो नील नदी के ऊपर में ही पड़ता है ठीक है क्योंकि नील नदी वो एक मौसमी नदी के तौर पे है जो कभी भी सूखती नहीं है ठीक है इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं ठीक है थीके? और ये जो पूरा मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे ही बसा हुआ है ठीक है सबसे पहले तो एक छोटा सा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कई सारे वीडियोज में मैंने बताया है ठीक है कोई भी सभ्यता जब भी कहीं पनपती है या कभी भी आपको किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ोगे तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही आपको दिखेगी ठीक है आप किसी भी बड़े शहर में जाओगे पूरे वर्ल्ड के अंदर में तो जो ज़्यादा बड़ा शहर होगा वो और किसी ना किसी नदी के किनारे ही विकसित दिखेगा आप इंडिया में हो ठीक है दिल्ली है यमुना नदी के किनारे विकस है ठीक है आप यूपी जाओगे बनारस है यमुना नदी के किनारे है ठीक है इलाहाबाद जाओगे वो भी आपको ये गंगा नदी सॉरी बनारस भी आपको गंगा नदी किनारे, के किनारे इलाहाबाद भी आपको गंगा नदी के किनारे बिहार के पटना भी आपको गंगा नदी के किनारे इस तरह से दिखेगा तो मतलब क्या है कि जो भी बड़ा शहर होता है वो नदियों के किनारे आपको दिखेगा ठीक है तो मिस्र की सभ्यता तो वो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता देखने के लिए हमें मिलती है ठीक है अब इसके अंदर में क्या है मिस्र की सभ्यता को जाना किस चीज के लिए जाता है तो भैया मिस्र की सभ्यता मिस्र का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है पिरामिड आते हैं भैया ठीक है पिरामिड के लिए जाना जाता है पिरामिड होता क्या है तो पिरामिड एक तरह का आप स्मारक है ठीक है जो उनके राजा की मृत्यु के बाद ठीक है उसके अंदर में उसे दफनाया जाता था या फिर उन्हें रखा जाता था उनके आभूषण उनके कीमती सामानों के साथ में तो उसके लिए वो पिरामिड का निर्माण करते थे ठीक है जो पिरामिड की कलाकृतियाँ थी आज भी जो इतिहासकार है वो सदमे में रहते हैं मतलब सोचते रहते हैं कि उस टाइम पे इस ये सारी चीज़ें कर पाना कितना ज़्यादा मतलब मुश्किल रहा होगा फिर भी उन्होंने किया इस तरह का स्ट्रक्चर आज के टाइम पर बनाना बहुत मुश्किल है पर उन्होंने बनाया ठीक है तो ये चीज़ें देखने वाली सोचने वाली बातें होती हैं और दूसरी चीज़ मिस्र की जो वहाँ के जो लोग थे वो इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी वहाँ पे कि इस तरह की चीज़ें कर सकें पर फिर भी उन्होंने ये इतना बड़ा पिरामिड बनाया ठीक है कई तरह का उन्होंने विकास किया और वहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को देवता की तरह ट्रीट करते थे उन्हें देवता माना जाता था ठीक है आपने कई सारी मूवी मम्मीज़ के ऊपर में देखी होगी पिरामिड्स के ऊपर में देखी होगी जिसमें वहाँ के जो राजाओं को एक देवता की तरह बताया जाता है ठीक है जबकि इंडिया के अंदर में जो राजा होते थे उन्हें देव मैसेंजर मतलब एक तरह से भगवान द्वारा भेजा गया दूत के तौर पे देखा जाता था भैया भगवान का मैं सेवक हूँ दूत हूँ तो लोग उसको सेवक के तौर पे ट्रीट करते थे भगवान का दूत मानते थे और उसको पूजा करते थे पर मिस्र के अंदर में उसे ही भगवान माना जाता था कि भैया भगवान कोई और नहीं है वही भगवान है ठीक है वही सब कुछ कर रहा है इस तरह से चीजें चलती हैं अब थोड़ा सा बेसिक जो आपकी बुक का है वो पढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों तो मिस्र की सभ्यता प्रोग ऐतिहासिक काल में यहाँ के लोग कछार घाटी में पश्चिमी मरुस्थल के निकट पहाड़ियों और पूर्वी मरुस्थल की मौसमी नदियों का उपयोग करते हैं ठीक है तो यहाँ पे कछार घाटी है मरुस्थल की जो निकट की पहाड़ियाँ हैं और पूर्वी मरुस्थल की मौसमी नदियाँ हैं मौसमी नदियाँ कौन सी जो साल भर पानी देती है जिसके अंदर में जो कभी सूखती नहीं है उसका उपयोग करते हैं जो लोग हैं वो पूरी तरह से लोगों की डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ के लिए नदियों के ऊपर दिखता है पूर्वी मरुस्थल के अंदर में धातु जिसमें तांबा सोना अर्धमूल्यवान पत्थर पाए जाते हैं ठीक है जो मरुस्थलों के अंदर में से कई तरह की कीमती आभूषण के लिए पत्थर वहाँ पे मिलते हैं ठीक है इमारत बनाने के लिए कई सारे पत्थर और औजारें वहाँ से बनाई जाती हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं ठीक है ये सूखे क्षेत्र थे तो आप देखोगे मिस्र की जब आप मूवी कोई देखोगे मिस्र से रिलेटेड पिरामिड से रिलेटेड तो आसपास देखोगे पूरा रेतीला इलाका मिलेगा एकदम बंजर जमीन मिलेगा ठीक है एक तरफ में पूरा बंजर जमीन है और दूसरी तरफ में नील नदी गुजर रही है और वहाँ से पूरा हरियाली हरियाली है ठीक है पता नहीं किस तरह से प्राकृतिक का वो है बट ये देखने के लिए आपको मिलता है तो यहाँ पर कहता है भैया कि ये सूखे क्षेत्र हैं ठीक है ये क्षेत्र सूखे हैं इसी कारण से यहाँ अच्छी मजबूत लकड़ी नहीं मिलती है क्योंकि सूखा क्षेत्र में पेड़ उगेगा ही नहीं तो वहां पे लकड़ी मिलेगी कैसे तो अब लकड़ी किस लिए चाहिए तो नदी है भैया तो नदी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए आप कैसे तैरोगे नाव तो बनाना पड़ेगा ना तो ये नाव के बनाने के लिए लेबनान से लकड़ी लेकर आते हैं क्योंकि मिस्र के निकट में ही लेबनान है जहाँ पे अच्छी खासी लकड़ी मिल जाती है और वहाँ से नाव बनाने के लिए लेबनान से लकड़ी लाई जाती है ठीक है और नदी के किनारे बसने का कई सारे रीजन है ठीक है पहला तो रीज़न सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि पानी आपको जीने के लिए खाना मिले ना मिले पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो पानी की वहाँ पे आपूर्ति पूरी हो जाती है दूसरी चीज़ क्या हो जाता है कि भोजन तो भोजन भी नदी बहुत बार हेल्प करती है बहुत बार क्या मतलब नाइन्टी नदी से ही भोजन मिल जाता है चाहे मछली पकड़ कर खाना हो चाहे कुछ और ठीक है उसके बाद में आपको एक जगह से दूसरी जगह मतलब संचार के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है नदी इसके कारण से लोग वहाँ पे बसते थे ठीक है आगे बात करूँ दोस्तों तो मिस्र की भूमि एक उपजाऊ भूमि थी जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया ठीक है मिस्र की भूमि उपजाऊ भूमि थी जिसके कारण से यहाँ फसल अच्छी पैदा होती थी और यहाँ गेहूँ रोम शहर से भी निर्यात किया जाता था जो गेहूँ था वो रोम शहर से आता था ठीक है रोम शहर से निर्यात किया जाता था इस तरह से चलता था इनका पूरा जीवन यापन कम श्रम में बीज का उपयोग करके भी अच्छी फसल पैदा होती थी अब देखो अब मान लो आपका जमीन खराब है ठीक है आपके वहाँ की जमीन बंजर है या फिर आपके वहाँ की ज़मीन उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है और आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी फसल के लिए बहुत अच्छी बीज बीज लाकर डाल रहे हो ठीक है फिर भी आपका फसल ख़राब होगा क्योंकि वो जमीन उतना आपको नहीं दे सकता है पर मिस्र की जो जमीन थी जो नील नदी के किनारे की जमीन थी उसमें कम मेहनत में भी कम बीज में भी क्या होता था कि अच्छी फसल मिल जाती थी ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी उपजाऊ जमीन होने का कारण क्या है कि जो नील नदी है बहुत लंबी नदी है ठीक है बड़ी नदी है लंबी नदी है मौसमी नदी है और वो साल भर उसके अंदर में पानी रहता है ठीक है तो पानी की आपूर्ति सबसे पहले तो कमी वहाँ पे नहीं पड़ती है कम नहीं पड़ती है दूसरी चीज़ क्या होता है कि उसके साथ साथ में जब कटाव होता है तो एक जगह से दूसरी जगह वो मिट्टी को बहा कर लाता है अपने साथ में ठीक है जब वो मिट्टी को बहा कर लाता है तो उसका उपयोग करके वो लोग वहाँ पे खेती करते हैं और उसके अंदर में मिट्टी के अंदर में जो बहाव लेकर आता है मिट्टी के उसमें कई तरह के पत्ते कई तरह के खाद पदार्थ मिले होते हैं जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं ठीक है इसके कारण से वहां पे अच्छी फसल हो जाती है इसी कारण से यहाँ का जनसंख्या घनत्व बढ़ गया था ठीक है जो ये खेती यहाँ पे मिट जो घन मतलब खनिज बहुत ज्यादा पदार्थ थे खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा थे ठीक है उपजाऊ जमीन थी खेती बहुत अच्छा होती थी इसके कारण से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलता है पर यहाँ पे जो इतिहासकार है उनके आपस में मतभेद है मतभेद किस प्रकार के कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भैया शहरीकरण जो इनका था मिस्र सभ्यता के अंदर में उतना ज्यादा तो नहीं दिखता है कि यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या होगी ठीक है पर दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार का कहना है कि भैया इतने बड़े पिरामिड बनाए ठीक है तो पिरामिड बनाने के लिए एक दो लोग तो बनाएंगे नहीं ठीक है और कृषि भी कर रहे हैं पिरामिड भी बना रहे हैं तो इसके लिए क्या लोगों की ज़रूरत पड़ रही होगी ठीक है तो लोगों की ज़रूरत को किस तरह से पूरा कर रहे थे तो लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए जनसंख्या इनके पास ज़्यादा होगा तभी तो कुछ लोग इधर पिरामिड बना रहे हैं कुछ लोग उधर खेती कर रहे हैं क्योंकि इनके अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर को देखोगे जिस तरह हमारे भारत के अंदर में क्या था जातिवादी प्रथा थी ठीक है वंश वर्ग विभाजन था ना ठीक है क्षेत्र ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र तो उसी तरह मिस्र के अंदर में क्या था राजा और अधिकारी पहले नंबर पे आ जाता था, था राजा जो किंग है उसके बाद उनके अधिकारी ठीक है जिसमें अधिकारियों के अंदर में जो चित्रकार हो गए ठीक है शिलाकार हो गए ठीक है अलग अलग तरह से जिनका कला जो मतलब किसी तरह का टैलेंट है किसी के अंदर में तो उनको भी सेकंड पोजीशन पे रखा जाता था थर्ड पोजीशन पे आ जाते थे कृषक जिनको एकदम निम्न वर्ग माना जाता था और चौथे नंबर पे आ जाते थे दास ठीक है जो तीनों वर्णों की सेवा करते थे ठीक है कृषि को तीसरे नंबर पर रखा जाता था कृषि कृषक से सिर्फ वो आ, मतलब टैक्स वसूलने के लिए रखा जाता था ठीक है इस तरह से चल रहा था मिस्र की सभ्यता में हमें पिरामिड देखने के लिए मिलते हैं और इसके प्राचीन राजशाहियों ने बनवाया था राजाओं ने राजा द्वारा बनवाया गया था एक स्मारक के तौर पर ये उपयोग होता है इनका जो टाइम पीरियड देखोगे मिस्र सभ्यता का तो सत्ताईस सौ से इक्कीस सौ साठ ईसा पूर्व का पूरा टाइम पीरियड रहा है इस युग की अद्भुत और अनुपम कृति की उपलब्धि नहीं कहीं की जा सकती है ठीक है ये बहुत ही मतलब खास एक तरह का रहा अब देखो इसके अंदर में क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं तो मिस्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया है दो स्लाइड्स के अंदर में ठीक है वो सारा चीज़ें आप उसको कुछ आंसर्स में लिखोगे तो वो आपको नंबर मिलेगा क्योंकि ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं ठीक है थीके? आगे मैं अभी जब क्वेश्चंस का आंसर बताऊँगा तब आपको सही से डिफ़ाइन कर दूँगा जिससे आपको समझ में आए आगे बात करें दोस्तों तो अगला जाता है हमारा की सभ्यता तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी भी है इलेवेंथ क्लास तो में पढ़ा होगा ठीक है इलेवंथ क्लास के अंदर में, में, में बहुत अच्छे से इस चैप्टर को दिया गया है ठीक है आपने वहां पे पढ़ा होगा ठीक है तो मेसो सभ्यता मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इस सभ्यता की मुख्य विशेषताओं में से हमें शहरी विकास नगरीय जीवन और सत्ता व्यापारिक मार्ग को देख सकते हैं ठीक है यहां पर क्या क्या खास चीजें देखने के लिए मिली हमें शहरी विकास मिला यहाँ पे शहरों का बहुत ज्यादा विकास हुआ और मिस्र के अंदर में क्या था कि जैसे लोग तो बढ़े जैसे मतलब जनसंख्या तो था पर वहां पे जनसंख्या को लेकर भूमि संघर्ष नहीं मिलता जमीनी विवाद नहीं मिलता आज भारत के अंदर में क्या है कि भैया भाई भाई लड़ रहे हैं जमीन के लिए कि उसने ज्यादा ले लिया मैंने कम लिया ठीक है कोई कब्जा कर रहा है दूसरे के ऊपर तो ये क्या है भूमि संघर्ष जमीन का संघर्ष है जमीनी विवाद है पर मिस्र के अंदर में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं ठीक है पर आप मेसोपोटामिया के अंदर में जो जनसंख्या थी वो शहर की ओर विस्तारित हो रही थी और, और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था ठीक है और यहाँ पे हमें जनसंख्या से रिलेटेड मतलब भूमि विवाद रिलेटेड बहुत सारे आपको साक्ष्य मिलेंगे अब साक्ष्य किस प्रकार के थोड़ा सा मैं आगे बढ़कर बताऊं तो ठीक है तो यहाँ पे क्या होता था कि जैसे लोग दस्तावेज का निर्माण करते थे दस्तावेज कॉपी किताब होता नहीं था पेन होता नहीं था आज क्या है कि आपके पास फोन है फोन के अंदर में नोट के अंदर में आप लिख के रख देते हो भैया ये नोट है ये आगे रिमाइंडर लगा कर कि भैया ये वाला चीज इससे लेना है इससे देना है ठीक है तो पहले क्या होता था किलाकार विधि करके किलाकार मतलब क्या कि सरकंडे की पतली पतली कील जैसी एक बनाई जाती थी पेंसिल ठीक है और चिकनी मिट्टी को सुखा कर ठीक है चिक जैसे पहले चिकनी मिट्टी को एक पट्टिका जैसा बनाकर ठीक है चौकोर तरह का स्लेट जैसा बनाकर ठीक है जब वो गीला ही रहता था तो सरकंडे से कील जैसी जो सरकंडे बनाए थे उससे उसके ऊपर लिख देते थे भैया इससे पाँच रुपये लेना है ठीक है और उससे को पाँच रुपये देना है ऐसा करके लिख दिया उन्होंने और लिखने के बाद उसको सुखा देते थे सुखाने के बाद दोबारा उस पर कोई भी मोटिफिकेशन नहीं कर सकते थे ठीक है आज आजकल क्या है कि भैया कॉपी में लिख दिया आपने पाँच रुपये देना है बंदा जैसे गया पाँच को आपने छः बना दिया ठीक है पाँच लिख कर गया था उसके बाद में ऐसे करके उसको छः बना दिया तब उसको हो गया क्या भाई छः रुपये लेना है ठीक है पर सरकंड जो चिकनी मिट्टी वाला होता था उसके अंदर में कोई एडिट नहीं किया जा सकता था ठीक है तो इस तरह से लोग अपना हिसाब किताब रखते थे और यही साक्ष्य बनते हैं आगे चल के किस प्रकार से साक्ष्य बनते हैं तो जैसे देखो इसको मिटाया नहीं जा सकता था अब मेरा आपसे हिसाब बराबर हो गया आपने मुझे पांच रुपए दे दिया तब मैं करूंगा क्या उसका तो इसको क्या किया लोगों ने फेंक दिया फेंक दिया तो ये नष्ट नहीं हुआ कई सारे रह गए ठीक है और जब पुरातात्विक विभाग के द्वारा जब वहां पर खुदाई की गई मेसोपोटामिया आज के इराक ईरान के अंदर में पूरा ये पड़ता है ठीक है तब हमें इसके साक्ष्य मिले क्योंकि अब इसको बनाने के लिए भी चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी तो खेतों से खुदाई होकर आती थी अब वहीं पे फेंका जाता था जिससे वापस ये मिट्टी बने फिर इसी को उठा के लाकर दोबारा करें ठीक है तो इस तरह से चीजें चल रही थी ठीक है समझ में आता है आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे तो एक अन्य बात जो महत्वपूर्ण है इस सभ्यता के अंदर में कि मिस्र के विपरीत जमीन का संघर्ष दिखाई पड़ता है जो मैंने आपको कहा जमीनी संघर्ष यहाँ पे दिखाई पड़ता है जबकि मिस्र के अंदर में जमीनी संघर्ष नहीं था ठीक है इस सभ्यता की जनसंख्या का जमाव एक जगह पर अधिक हो जाता है मिस्र के अंदर में क्या था जनसंख्या का फैलाव था कुछ लोग जो नदी के किनारे रहते थे वो खेती कर रहे थे कुछ लोग जो राजा का समर्थन में थे वो पिरामिड बना रहे थे तो इस तरह से जनसंख्या का क्या, क्या था फैलाव था पर मेसोपोटामिया के अंदर क्या था जनसंख्या का जमाव था एक ही जगह पे आपको सारा जनसंख्या देखने के लिए मिलेगा ठीक है इस सभ्यता के अंदर में एक अन्य महत्वपूर्ण विधि विशेष थी ठीक है जिसका लेन देन के लिए लिखित दस्तावेज रखते थे और इसको इस सभ्यता को मेनली इसी कारण से जाना जाता है दस्तावेज के कारण से इसके नगरीय सभ्यता के कारण से नगरीय जीवन के कारण से इसके व्यापारी चीजों को लेकर ही इसको जाना जाता है मेसोपोटामिया को ठीक है यहां की जमीन उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी ठीक है पर फिर भी ये इस तरह की चीजें करते थे इनकी इस तरह का पूरा कल्चर था इनके पास मन के चांदी ये सब चीजें नहीं मिलती थी ठीक है तो ये क्या करते थे दूसरे देशों से ऐसा साक्ष्य मिले कि लेकर आते होंगे क्योंकि अब मान लो आपके पास जैसे मेरे घर में एक मान लो चाइनीज का मैं जिस फोन से वीडियो बना रहा हूँ चाइना का फोन है ठीक है अब भैया चाइना का फोन है तो इसका मतलब क्या चाइना वाला यहां पे दुकान खोला हुआ तो मैंने लिया या फिर मैं चाइना गया था तो लेकर आया ठीक है एक एग्जांपल के लिए यही हो सकता है ना यही हो सकता है तो सेम चीज़ यहाँ पे कहा गया जो इतिहासकार थे कि भैया जो मेसोपोटामिया के अंदर में इस तरह के साक्ष्य नहीं मिले कि वहां पे किसी तरह का आ, मन के या फिर तांबे ओम्बे के को, कोई खदान है जिससे वो उसका यूज़ कर रहे हैं पर यूज तो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वहां पर उनके पास नहीं है तो क्या क्या हुआ उन्होंने दूसरे देशों से व्यापार के थ्रू लिया होगा ठीक है तो एक व्यापारिक संबंध भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है मेसोपोटामिया काफ़ी ज़्यादा विकसित था इसके बारे में भी पता चलता है दोस्तों आगे बात करें मेसोपोटामिया के बारे में तो दक्षिण हिस्से को अब ये देखो सबसे पहले तो ना मेसोपोटामिया था कहाँ तो अगर इसको आप मैप के अंदर समझो मैप तो मैंने लगा नहीं रखा पीडीएफ के अंदर में बट आप गूगल कर लेना ठीक है मेसोपोटामिया के बारे में गूगल जब मैप करोगे तो आपको पता चलेगा ठीक है तो ये इराक ईरान के अंदर में आज का जो है उसके अंदर में पूरा ये सभ्यता बसी हुई है ठीक है वहां की दो नदियां थी दजला और फरात ठीक है दजला और फरात उसको यू यूफेक्टस और टिगरिस भी कहते हैं टिगरिस भी कहते हैं दजला और फ़रात इलेवंथ के अंदर में उसको दजला और फरात कहा जाता था जबकि एमए के अंदर में यूफेक्टिस और टिगरिस कहा जाता है ठीक है तो इन दोनों नदियों के किनारे पूरा मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई थी ठीक है यहाँ पे अक्कद सुमेर उकरू कई तरह के जो भाषाई लोग आए उसके कारण से इसको जाना जाता है ठीक है अलग अलग वंशों ने इस पर राज किया ठीक है उसके कारण से उनकी भाषाएं यहाँ पे जानी गई ठीक है दक्षिण दक्षिण मैदानी हिस्से में सुमेर के नाम से जाना जाता है दक्षिण मैदानी हिस्सा जो पूरा में सो का दक्षिण मैदानी हिस्सा है उसको सुमेर के नाम से जाना जाता है ये लोग सुमेराई भाषा बोलते थे इन्होंने सबसे पहले नगर का विकास किया और अर्ध अर्धसूख मरुस्थल होने के कारण यहाँ पे वनस्पति विरल थी यहाँ पे वनस्पति नहीं थी पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं थे मछली मारना जंगली जानवर का शिकार करना आदि इनका सभ्यता का विशेष था ठीक है अब मान लो भाई जंगल है ही नहीं आपके पास खेती करने का ऑप्शन है ही नहीं तो आप करोगे क्या मछली मारकर खाओगे जंगली जानवरों का शिकार करके खाओगे यही सारा कुछ इनका मेन था इस सभ्यता के लोग खेती के साथ साथ पशु चारण भी करते थे ठीक है आप पशु भी चराते थे इसके दो फायदे होते थे कि अब जरूरत जब पड़े तो उसको मार के खाया भी जाए उससे दूध भी लिया जाए और उसका पालन भी किया जाए पशु पालते थे पशु में मेनली भेड़ बकरी गाय पालते थे गड़ेड़िए जैसे वो रहते थे एक ही समुदाय के लोग भिन्न भिन्न भीं काम करते थे ये डिपेंड ये नहीं था कि भैया ये जो व्यक्ति है इस समुदाय का तो सिर्फ यही काम करेगा तो अलग अलग काम भी करते थे लोग मेसोपोटामिया में हमें पशु अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं यहाँ ऊन का निर्यात किया जाता था अब देखो यहाँ पे जो लोग थे वो ऊन के कपड़े पहनते थे ऊन मेसोपोटामिया में आपको देखेगा मिलने के लिए मेसोपोटामिया के अंदर में आपको ऊन मिलेगा देखने के लिए पर वहीं पे आप अगर मिस्र की बात करो ठीक है मिस्र की बात करोगे तो मिस्र के अंदर में क्या था सन एक होता है सन करके एक पौधा होता है जिसके रेशे होते हैं उसको रेशे को निकाला जाता है और रेशे को निकाल कर रस्सियां बनाई जाती हैं कपड़े बनाए जाते हैं जूट की तरह एक उसका कपड़ा दिखता है ठीक है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और मिस्र के अंदर में ज़्यादातर जगहों पे वही साक्ष्य मिलते कि लोग उस कपड़े का यूज़ करते थे ठीक है सन के कपड़े का यूज़ करते थे समझ में आता है दोस्तों तो यहाँ पे ये पूरा आ जाता है अगला हमारा जाता है हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में मैंने कई सारी वीडियो मेरे पूरे दिन और चैनल के अंदर में आई होप सो बीस पच्चीस से ज़्यादा वीडियो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर में होगा क्योंकि मैंने बी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया है सेकेंड ईयर में भी है थर्ड ईयर में भी है ठीक है उसके बाद एम एम भी पढ़ रहे हो और अलग से सेपरेट वीडियो भी कई सारी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर बनी हुई है ठीक है तो इसके कारण से मैं कह सकता हूँ पंद्रह बीस से ज़्यादा वीडियो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर में होगी तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में भैया आप सब बहुत अच्छे जानते से जानते हो हड़प्पा सभ्यता है क्या तो भैया हड़प्पा सभ्यता भारत के अंदर में मिली एक नगरीय सभ्यता है ठीक है जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं का टीला भी कहते हैं ठीक है ठीके? जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता कहा क्यों जाता है तो हड़प्पा सभ्यता जब इतिहासकार द्वारा पुरातात्विक विभाग द्वारा इसकी खोज की जा रही थी तो जो सबसे पहला शहर मिला जो सबसे पहला गाँव मिला जिस सबसे पहले साक्ष्य मिले वो हड़प्पा था जिसके कारण से पूरी इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया और आगे जाकर और अलग अलग खुदाई हुई तो पता चला कि सिंधु नदी के किनारे ये पूरी सभ्यता है तो जिसके कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया ठीक है तो ये चीजें समझ में आता है तो हड़प्पा सभ्यता सब हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में हमें कुछ लक्षण मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं मतलब इसके अंदर में काफ़ी हद तक मेसोपोटामिया और मिस्र से मिलते जुलते लक्षण दिखते हैं मेसोपोटामिया और मिस्र में जो अनाज उगाए जाते थे उपजाए जाते थे वही अनाज यहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं और अनाज कौन कौन से थे ठीक है तो हो गया गेहूँ ठीक है चना दल, जो दलियन पौधे होते थे ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी आपको मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पशुपालन पर जोर था यहाँ कपास उगाया जाता था और उसे कपड़े बनाए जाते थे ठीक है मेसोपोटामिया और हड़प्पा के अंदर में कपास के थ्रू ऊन के थ्रू कपड़े का देखने के लिए मिलता है जबकि मिस्र के अंदर में सन के कपड़े बनाए जाते थे ठीक है सन क्या होता है एक पौधा होता है जो मैंने अभी बताया उसके रेसे होते हैं पूरे उस पौधे के ऊपर चढ़े होते हैं उसको निकाल कर उससे कपड़े बुने जाते थे मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह ही यहाँ अच्छी लकड़ी और पत्थर और धातुएं उपलब्ध थी जैसे मिस्र के अंदर में इतनी ज़्यादा धातुएं तो उपलब्ध थी पत्थर तो उपलब्ध थे पर लकड़ी उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण से वो लैब नान उसके पास में ही है उस वहाँ से वो लकड़ी लेकर आते थे और उसके थ्रू वो नाव बनाते थे ठीक है पर मेसोपोटामिया के अंदर में और हड़प्पा के अंदर में सब कुछ अच्छी उपलब्ध मात्रा में मिल जाता है जहाँ पे आपको कई तरह के पत्थर लकड़ी आभूषण के लिए जो सोने चांदी चाहिए वो भी मिल जाते हैं और साथ साथ में लकड़ियाँ भी मिल जाती हैं ठीक है जिसके प्रमाण यहाँ मिलते हैं जैसे कि पंजाब से शीशम और टीक गुजरात से मंगाई जाती थी टीक की लकड़ी और शीशम की लकड़ी पंजाब से मंगाई जाती थी ठीक है और इसके साक्ष्य मिलते हैं ठीक है क्योंकि आप देखो जो गुजरात के अभी अभी कुछ दिन पहले ही यूनेस्को ने ठीक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में एक हड़प्पा सभ्यता जो धोलावीरा गुजरात के अंदर में है ठीक है उसकी एक साइड को मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइड में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में नॉमिनेट कर दिया नाम डाल दिया उसका ठीक है और वो हड़प्पन सभ्यता का साइड है हड़प्पा सभ्यता का एक साइड है ठीक है तो उसके अंदर में जब वहाँ पे हम जांच पड़ताल करते हैं मतलब वो उसी साइड की बात नहीं कर रहा पूरा रपा सभ्यता की जांच पड़ताल का बात करते हैं देखते हैं तब हमें पता चलता है कि भैया इस एरिए के अंदर में ये शीशम की लकड़ी तो हो नहीं रही तो कहाँ से लाए तो यहाँ पर आस पास में जहाँ पर शीशम हो रहा है तो उसके अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सेम इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिली है तो यहाँ से ही ये लकड़ी वहाँ ले गए होंगे तो इस तरह से दक्षिणी राजस्थान से तांबा आता था लग कोड़ियों के लिए सौराष्ट्र का क्षेत्र उपयोग किया जाता था कोड़ियाँ होती थी जिससे खेला जाता था पहले राजा महाराजा कोड़ियाँ खेलते थे ठीक है तो उसके लिए सौराष्ट्र से कोड़ियाँ आती थी ठीक है तो इस तरह से पूरा हड़प्पा सभ्यता आपका चल रहा है दोस्तों और हड़प्पा सभ्यता को मैंने कई बार बताया था इसलिए उसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पे नॉर्मली आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता ही है ठीक है आगे हम बात करते हैं मध्य चीन की सांग सभ्यता जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यताओं में से एक है ठीक है क्योंकि बाकी सभ्यताएं मिस्र की सभ्यता के बारे में भी आपने इलेवंथ में ट्वेल्थ में पढ़ा है थोड़ा बहुत ठीक है और मिसु के बारे में भी आपने ट्वेल्थ इलेवेंथ में पढ़ा है पर जो मिस्र की जो ये चीन की जो सांग सभ्यता इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा आइडिया नहीं है और इसके अंदर में जो भी नाम भी है वो भी चीनी नाम है तो थोड़ा सा दिक्कत भी होता है ठीक है स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ रहा था एमएमए तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था तो आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से ज़रूर पढ़े इस सांग सभ्यता को जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो चीजें ठीक है उत्तरी और मध्य चीन के अंदर में साग सभ्यता चीन में नवपाषाण संस्कृति का आरंभ होता है जिसको 600 सौ पूर्व के मतलब आसपास का टाइम पीरियड माना जाता है यहाँ कांश्य युग का आरंभ सिया राजवंश के शासन काल में शुरू हुआ जो कांस्य युग सभ्यता जिसे हम जहाँ पर तांबे का उपयोग होना शुरू हुआ था वो सिया राजवंश के अंदर में प्रारंभ हो जाता है चीन के अंदर में ठीक है इस सभ्यता के कास् युग और इर्लिटी के नाम से जाना जाता है ठीक है ये जो राजा होते थे और उनके नाम से ये सारी सभ्यताओं को बुलाया जाता था सिया वंश के बाद शांग वंश का उदय होता है जिसके नाम पर ये पूरी सभ्यता का नाम पड़ता है शांग सभ्यता ठीक है सिया वंश सबसे पहला वंश होता है उसके बाद शांग वंश आता है उसी के नाम पे पूरी सभ्यता बनती है ठीक है और इसके शांग वंश के नाम पर ही सभ्यता क्यों है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया ठीक है इनके इनके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा विकास किए गए सबसे ज्यादा राज किए गए इसके कारण से इसके नाम पर ये पूरा आपको सभ्यता देखने के लिए मिलता है आप आगे बात करो तो इसी समय इस सभ्यता में बलि और लेखन कला का प्रमाण मिलता है बलि चढ़ाना ठीक है लेखन कला का प्रमाण मिलना इसी सभ्यता का मिलता है यहाँ राजनीतिक एकता का अभाव था यहाँ पे राजनीतिक एकता नहीं था और इस सभ्यता के अंदर में नवपाषाण संबंध में हमें देखने के लिए मिलते हैं अधिकांश स्थल हुआंग हुआ और जिसे पीली नदी भी कहा जाता था, था और यांग तेज के किनारे बसे हुए थे जैसे कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि जितनी भी सभ्यता पढ़ोगे सारी नदी के किनारे बसे हुए हैं जैसे कि आप मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे ठीक है मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे हड़प्पा की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और चीन की शांग सभ्यता यांग तेज नदी के किनारे पूरी तरह से बसा हुआ जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं और अधिकांश जो पूरा आप नगरी सभ्यता देखोगे मिस्र की शांग सभ्यता का तो यांग तेज के किनारे ही पूरा बसा हुआ है और यहाँ पे ही सारी उपजाऊ भूमि मिल जाती है ठीक है यहीं पे खेती होती थी और यहाँ पे पूरी तरह से फल फ, फलता फूलता इसको दिखाया गया है पर साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर बात करो तो इसके अंदर में चीन के जो सांग सभ्यता है इसके अंदर में किसी भी तरह का संबंध नहीं दिखता है आपको ना मिस्र से मिसोपोटामिया से ना ही हड़प्पा से ठीक है ये बिल्कुल सेपरेट अलग तरह का सभ्यता यहाँ पे देखने के लिए मिलती है बट जो टाइम पीरियड है इन सभी का ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम देखने के लिए मिलता है अगर इसकी सभ्यता की विशेषता की बात करें ना पाषाण संस्कृति की विशेषता की जो चीन की सांग सभ्यता का था इसके अंदर में पूर्वी समुद्र तट के किनारे यांगतेज नदी ठीक है घाटी में चावल की खेती की जाती थी यांग नदी के किनारे जो घाटियां होती थी उसके अंदर में चावल की खेती करते हुए दिखता है ठीक है सन के रेसे के वस्त्र बनाए जाते थे जो सन के रेसे होते थे उसके कपड़े बनाए जाते थे और केओलिन करके मिट्टी होते थे उनके बर्तन बनाए जाते थे और जिनका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया के जाता था केओलिन के मिट्टियों का हड्डी और पत्थर से बनी खेती का उपयोग कर उपकरण जो उपकरण होते थे खेती करने के लिए हड्डी और पत्थर से मिलाकर बनाए जाते थे या अलग अलग बनाए जाते थे ठीक है इस उपकरणों के बारे में तो आपको मैंने यूनिट फर्स्ट के अंदर में बहुत अच्छे से बताया था जो उसको आपको मैंने पढ़ाया था ठीक है अब आगे बात करें यहाँ पे लास्ट हमारा जो स्लाइड है मिस्र मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता अपनी काफी समानता देखने के लिए मिलती है तीनों चारों के अंदर में मतलब तीनों के अंदर में मिस्र के अंदर में मेसोपोटामिया के अंदर और हड़प्पा के अंदर में समानता देखने के लिए मिलती है परंतु चीन की जो सांग सभ्यता इसके अंदर में कोई समानता आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी ठीक है बिल्कुल अलग सभ्यता के तौर पर देखी जाती है लास्ट यहाँ पे एक स्लाइड आ जाता है दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द लेसन है उसके बारे में ठीक है कि इसके अंदर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसको लेकर तो यहां पे टोटल दोस्तों आपके बुक के अंदर में जो चैप्टर सिक्स है उसके अंदर में टोटल पांच क्वेश्चन दिए गए हैं ठीक है और सारे क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाए हैं बस आपको समझाना है कि किस तरीके से किसका आंसर क्या लिखोगे मिस्र और मिस्रो की सभ्यता के कृषि उत्पादन की तुलना कीजिए सबसे पहला पहला क्वेश्चन है जिसको इस इस वीडियो के अंदर में मैंने आपको सारे अलग अलग कराया सेपरेट करवाया मिस्र के बारे में अलग से बताया हड़प्पा के बारे में अलग से बताया मेसोपोटामिया के बारे में अलग से बताया आपको दोनों की तुलना करनी है ठीक है मिस्र और मेसोपोटामिया के बारे में कि उनकी कृषि सभ्यता किस प्रकार से थी ठीक है कृषि उत्पादन किस प्रकार का था तो आपको थोड़ा सा बुक पढ़ना है वीडियो देखना है जिससे आपको समझ में आएगा आप जैसे मिस्र केंद्र में क्या था कि भैया उपजाऊ जमीन थी और वो किनारे के ऊपर जो ऊपरी भाग में ठीक है दक्षिण पूर्वी भाग ऊपर की और जो मिश्र का था वहाँ पे कृषक वर्ग रहते थे वहीं पे वो कृषि करते थे ठीक है तो ज़्यादा चीज़ें नहीं उगा सकते थे रीज़न क्या था कि उपजाऊ जमीन थी वो उगाते थे पर साथ साथ में वो मरुस्थली जमीन भी वहाँ पे देखने के लिए मिलती है जिसके कारण से वो सुटेबल इन्वायमेंट नहीं बन पाता है पर आप मेसू पटाम की बात करो तो वहाँ पे दजला और फरात नदी बहती थी जिसके कारण से वहाँ पर बहुत अच्छी जमीन मिल जाती है और वहाँ पर अच्छा खासा फसल उगते हुए देखने के लिए मिलता है ठीक है तो इस तरह से आपको तुलना करना है दोनों के बारे में दूसरा आ जाता है उबेद और उरुक काल के अंदर में ठीक है उबेद और उरुक हैं क्या तो उबेद और उरुक दो वंश हैं जो मेसोपोटामिया पटामे के अंदर में मिले वंश आया उरुक वंश आया तो दो वंश हैं उसके अंदर में मेसोपोटामिया पटामे के अंदर में क्या क्या बदलाव हुए ठीक है उसको बारे में बात करना है ठीक है तो यहाँ पे आपके बुक में बहुत अच्छे से बता रखा है उबेद और रूख वंश के बारे में नॉर्मल आपको वो जो मिसो के बारे में मैंने बताया है जो पढ़ाया है कि किस किस तरह से चीज़ें बदल रही थी किलाकार विधि क्या हुआ तो उसको बस एक्सप्लेन कर दोगे आपका नंबर वहीं पर मिलेगा ठीक है और थोड़ा सा अगर बुक से पढ़ लोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर में सिर्फ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स दोनों आ, दोनों राजाओं के टाइम पीरियड का उठाया है मैंने ठीक ठीक है तो अगर आप एक बार बुक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और हड़प्पा की सिंचाई और मेसोपोटामिया के आ, किस प्रकार से भिन्न थी अब देखो मिस तीनों जो सभ्यताएं आप मिस्र की बात करो चारों सभ्यता सॉरी चारों सभ्यता की बात करो चारों के अंदर में सिंचाई की प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है सिंचाई की विधि देखने के लिए मिलती है व्यवस्था देखने के लिए मिलती है मेसोपोटामिया के अंदर में जो सिंचाई की थी व्यवस्था उसको दजला और फरात नदी तो बहती थी साथ साथ उन्होंने कुओं का निर्माण कर रखा था जिसके अंदर में वो वहां से सिंचाई की व्यवस्था करते थे सेम इसी तरह से मिस्र में भी था और चीन में भी था पर आप जब हड़प्पा की बात करते हो तो हड़प्पा में क्या था कि नहरों का निर्माण करवाया गया आपने देखा होगा स्नानागार बनाए जाते थे नालियों का निर्माण किया गया खोद का निर्माण किया गया बारिश के इकट्ठा करने के लिए पानी का खोद का निर्माण कराया जाता था ठीक है जिससे वो पानी वहाँ तक पहुँचाया जाए नदी कुओं का निर्माण करवाया जाता था जिससे वो सारी चीज़ें वहाँ तक ले जाए पर जो आप मिस्र में देखोगे तो ज़्यादातर टाइम पे डिपेंडेंसी क्या थी नील नदी पे और दूसरी चीज़ वर्षा पे डिपेंड थी ठीक है मेसोपोटामिया में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है पर हड़प्पा सभ्यता थोड़ी सी विकसित थी और वहाँ पर कुओं वुओं का निर्माण ज़्यादा कराया गया था जिससे वो अपना सिंचाई की जो सिंचाई के लिए जो जल व्यवस्था है वो पूरा कर सके क्योंकि खेती कर रहे हो तो भैया सिंचाई के बिना तो होगा नहीं तो इसके लिए ये चीज़ें ठीक है इस इकाई में आपने जिन मोहरों का अध्ययन किया उनकी चर्चा कीजिए ये तो ऐसी है क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन भूल जाओ पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिस्र और सांग सभ्यताओं में दफनाने की रीतियों की तुलना कीजिए दफनाना मतलब किसे अब जैसे मिस्र के अंदर में क्या था राजाओं के लिए पिरामिड बनाए जाते थे जिसके अंदर में उन्हें दफनाया जाता था ठीक है एक तरह से स्मारक के तौर पे पिरामिड को देखा जाता है कि राजा का वो स्मारक है ठीक है और सेम चीन की सांग सभ्यता के अंदर में भी चीन की सांग सभ्यता के अंदर में भी ये चीजें देखने के लिए मिलती है और मिस्र के जो पिरामिड होती थे उसके अंदर में क्या होता था राजा के जितने भी आभूषण होते थे जितने भी वस्त्र होते थे जितने भी कीमती चीज़ें होती थी राजा के ठीक है ख़ास चीज़ें उसके साथ में दफना दिया जाता था कि राजा अपना सारा चीज़ लेकर गया है ठीक है ये सारी चीज़ें होती थी ठीक है तो उस उसमें इस तरह से करता था और पिरामिड बनाकर दफनाया जाता था बड़े बड़े राजाओं को ठीक है उनके सहयोगों को उसके साथ में जैसे मान लो राजा के साथ में और भी कोई मरा तो उसके साथ में उसके कमरे होते थे अलग अलग कमरे पिरामिड के अंदर बनाए जाते थे बड़े बड़े पिरामिड होते थे उसके अंदर में उसको दफनाया जाता था ठीक है पूरे गार्ड वार्ड सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी होते थे उसके अंगरक्षक होते थे उसको भी उसके साथ में ही वहीं पर मतलब कर रख दिया जाता था जिससे वो भी मरे पर वो उनके साथ में ही रहें कि कभी भी राजा जब वापस आए तो उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड वहाँ पे मौजूद रहें तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती थी पर चीन की सांसदता के अंदर में ये सारी चीज़ें नहीं देखने के लिए मिलती हैं कि वो कीमती उनके आभूषण और ये सारी चीज़ें दफना रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये मिल जाता है देखने के लिए और आपको इसको एक्सप्लेन करना है आप थोड़ा सा बुक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा और लास्ट रिक्वेस्ट आपसे यही रहने वाली है कि अगर आपको कहीं पर भी डाउट है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहीं पर लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ लें और दोस्तों एक वीडियो बनाने में तीस से चालीस मिनट लग जाता है नॉन स्टॉप बोलना होता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ठीक है कई बार क्या होता है कि वीडियो मैं बना रहता हूँ और कुछ डिस्डर डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसके कारण से वीडियो मुझे बीच में रोकना पड़ता है फिर दोबारा नहीं बना पाते ठीक है फिर टाइम नेक्स्ट डे के ऊपर हम डालना पड़ता है कि नेक्स्ट डे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम का शॉर्टेज थोड़ा सा मिलता है मुझे ठीक है तो थोड़ा सा आप भी कॉपरेट करें जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो आप उसको देखें सही से देखें और आप उसको पढ़ें क्योंकि धीरे धीरे मैं वीडियो सोच रहा हूँ जल्द बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा जल्दी बनाऊँ आपके लिए ठीक है पर उस हिसाब से सामने से कई बार रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर वीडियो बनाने का दिल नहीं करता है तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसके ऊपर रिस्पॉस करें कमेंट करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ हमारी पूरी जो दीन की टीम है वो मोटिवेट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वर्क करें आपके साथ में और आपको अच्छे से पढ़ाएँ अपनी जो बेस्ट है आपको दें ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी थैंक यू फॉर लिसनिंग मी बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए फर्स्ट ईयर वालों का तभी एग्जाम हो नहीं रहा ठीक है कुछ टाइम के अंदर में आगे जो भी अपडेट होगा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वो अगर आता है तब अगर फिर भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी करके चले ज़्यादातर चांसेस एग्जाम नहीं होने के पर फिर भी तैयारी करके रखिए क्या पता आगे हो जाए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और फॉर योर करियर बा बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट